HDR, एपर्चर, FPS, डिजिटल जूम वर्सेस ऑप्टिकल जूम। अबे मुझसे ना होगा, मैं जा रही हूँ यार। तो क्या आपको पता है इन सभी का मतलब? तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम कैमरा के ज्ञान के नदियां बहाएंगे, जितना लूट सकते हो लूट लो। और आगे क्या था भाई, डायलॉग भूल जाता हूँ भाई मैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं HDR की। आखिर HDR होता क्या है? तो HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनेमिक रेंज। और ये HDR का जो सपोर्ट है वो सभी फ़ोन में नहीं मिलता है, ठीक है। काफ़ी सारे फ़ोन में मिलते हैं, काफ़ी सारे फ़ोन में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये HDR जो है वो एक बेसिकली मोड है जिससे आप फोटो लेते हो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आती है। और इसे फोटोग्राफी की दुनिया में आप कह लो एक टर्म है या फिर एक स्टैंडर्ड है जिसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फ़ोटो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छी आती है। गर्लफ्रेंड मच्छर यार मेरे को, मेरा मतलब यह है कि इसमें फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप जो है वो कई ऐसे एरिया में फ़ोटो लेते हैं जहाँ पे मतलब धूप जो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, फिर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्राइट वाली चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती है। और जो मतलब जहाँ पे लाइट कम है वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट कम आती है वहाँ पे। तो ये फ़ोटो जो है एक बैलेंस नहीं बन पाता है और बहुत ही अच्छा फ़ोटो नहीं आ पाता है, देखने में मतलब घटिया सा लगता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे काम आता है HDR मोड का, ठीक है, हाई डायनेमिक रेंज का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना HDR में तीन फोटो ये क्लिक करता है। बेसिकली हमको लगता है कि हम एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये तीन फोटो क्लिक करता है। एक फ़ोटो में क्या करता है कि जो एक्सपोजर है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देता है। और एक फ़ोटो में क्या करता है, उसका एक्सपोजर है वो उसको एकदम लो कर देता है, यानी काला सा फ़ोटो लेता है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और एक फ़ोटो में वो क्या करता है कि जो नॉर्मल फ़ोटो है वही लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इन तीनों फ़ोटो को मिला देता है आपस में, जो इसका जो सॉफ्टवेयर है या फिर इसका जो एल्गोरिथम है या फिर इसका जो फ़ोटो प्रोसेस करने की जो पावर है उससे क्या करता है कि वो तीनों फ़ोटो को मिला देता है। और ओवरऑल जो हमारी फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी कि दाल भात सभी को एक बार मिला दिया और हमारे आगे में परोस दिया। ये एग्जाम्पल गलती हो गया शायद ना, ओ भाई मारो मुझे। तो यहाँ पे आप लोग तीन फोटो को देख रहे हो, एक फोटो में देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाइट बढ़ी हुई है, एक फ़ोटो में आप लोग देख रहे हो जो इसका एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है यानी काला सा फ़ोटो है, और एक फ़ोटो जो देख रहे हो यहाँ पे ये नॉर्मल फ़ोटो है, ठीक है। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो भैया ये रही इसका फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी मतलब मस्त लग रही है, एकदम झक्कास जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली यही होता है HDR का काम और इसका मतलब होता है, और HDR मोड में यही सब होता है मेरे भाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चल जल्दी से एपर्चर भी बता दे क्या होता है। तो एपर्चर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि आज कैमरा ज्ञान की नदियां बहने वाली है, तो हम सभी कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सब्सक्राइब भी दाब दो जल्दी से, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो जब आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को देखोगे तो वहाँ पे आपको एक लेंस नजर आएगा, ठीक है। लेंस के अंदर में आप लोग घुस के देखोगे, यानी बहुत ही अच्छे झांक के देखोगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा होल दिखाई देगा जिसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको स्मार्टफोन के कैमरे में ना दिखे क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और आपके पास अगर DSLR है तो उसमें आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि भाई ये है अपर्चर इसका, ठीक है। तो ये मतलब लेंस में ही होता है इसका काम, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ये जो है वो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं, किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसकी एफ़ वैल्यू क्या है। एफ़ वैल्यू यहाँ पे मतलब होता है उसका फोकल लेंथ, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। हाँ, तू तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तुझे कैसे पता फिजिक्स क्या होता है, कर दो बेइज्जती मेरी। तो यहाँ पे आपको अपर्चर के काफ़ी सारे साइज मिल जाते हैं, जैसे कि 1.4, 2.0, 8.0 वगैरह वगैरह, ATC बहुत सारे साइज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक मेनली फंडा यूज़ होता है, वो फंडा ये है कि जो F का जो वैल्यू मैंने आपको बताया नंबर में, वो नंबर जितना ज़्यादा कम होगा वो अपर्चर उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया F1.4 और एक मैंने आपको बताया कि F8.0, ठीक है। तो यहाँ पे 8.0 से ना 1.4 जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। यानी कि जिस फ़ोन में मतलब अपर्चर का जो साइज़ है वो 1.4 है, उसका अपर्चर जो है वो 8.0 के मुकाबले अच्छा होगा, ठीक है। यानी उसका अपर्चर जो है वो बड़ा होगा। तो इसका काम क्या होता है, तो देखो तो इसका काम यही होता है कि ये क्या करता है, सिर्फ अपने अंदर जो है वो कैमरे के अंदर लाइट को लेता है और वो जो है वह सेंसर तक पहुंचाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब तक लाइट जाएगी नहीं तब तक भैया कैसे जो है वो इमेज हमारा बन पाएगा। अब हमारे आंख तक लाइट जाएगी नहीं तो हमें अंधेरा सा ही नज़र आएगा ना। तो यही सारे चीज़ सेम फंडा उसी में भी यूज़ होता है। जैसा कि आंख में एक
काला सा होता है पुतली, उसके बाद अंदर में एक और छोटा सा होता है काला सा। आप तरह समझ सकते हो कि एक तरह से भाई वही जो है वो अपर्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपर्चर का साइज, इसका जो मुंह है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इसका जो होल है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, उतने ही ज़्यादा लाइट को अंदर ले पाएगा और उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी कम लाइट ले पाएगा और उतने ही आपको घटिया क्वालिटी की फ़ोटो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब बड़ा अपर्चर का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आपको बुके मोड जो पीछे में आप देख रहे हो ब्लर ब्लर सा आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है अगर वो ज़्यादा है तो, अगर वो कम है तो इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। और ये क्या क्या होता है कि मतलब एक और काम इसका होता है कि भाई ये मतलब लो लाइट में भी, जैसे कि कहीं कहीं थोड़ा सा अंधेरा भी है तो वहाँ पे ये ज़्यादा लाइट को ले पाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ़ोटो आ जाएगी आपकी। अगर ये छोटा है तो वहाँ पे लो लाइट में आपको फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है, यानी कि अगर ये बड़ा है तो ज़्यादा लाइट को अंदर लेगा तो अच्छी क्वालिटी आएगी, और ये छोटा है तो आपको कम लाइट अंदर जाएगा और हमारे जो फ़ोटो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और फ़ोटो क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ोन में कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप बड़ा छोटा उसको कर सकते हो, काफ़ी सारे फ़ोन में फिक्स रहते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने तो बोके मोड वगैरह के जो है सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यही होता है अपर्चर का काम और यही होता है इसका मतलब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे सोनू मुन्नू चुच्चू पुच्चू। फैला दो वीडियो को फिर। अब दोस्तों हम बात करते हैं FPS की। अब दोस्तों हमसे रहा नहीं जाता है मतलब तो दोस्तों FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि इसको जो है वो वीडियोग्राफी में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे फोटोग्राफी में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा और ये फैक्ट भी है कि भाई जो वीडियो होती है वो काफ़ी सारे फ़ोटो को मिला करके बनती है कि वीडियो, और वीडियो नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि काफ़ी जल्दी जल्दी जो है फ़ोटो को चेंज कर रहा है आपको आँखों के सामने, और हमारे आँखों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो है वो एक फ़ोटो है या फिर वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि इस कैमरे में आपको 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, इस कैमरे में आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका मतलब ये होता है कि ये कैमरा जो है वो 1 सेकेंड में कितने फ्रेम को कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में मान लो 30 FPS का सपोर्ट है तो यानी कि वो 1 सेकेंड में आपको 30 फ्रेम कैप्चर करेगा जब आप वीडियो बना रहे होते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो 30 FPS और 60 FPS है, अगर मान लो किसी कैमरे में 30 FPS से देखने को मिलता है और किसी कैमरे में 60 FPS देखने को मिलता है, तो ये 30 FPS से बेटर होगा 60 FPS, ठीक है। क्योंकि ये जो 30 FPS वाला है वो 1 सेकंड में सिर्फ 30 फ्रेम ही कैप्चर कर पा रहा है, और जो 60 FPS वाला है वो आपको 1 सेकंड में 60 फ्रेम कैप्चर करके दे पा रहा है। यानी उसका जो वीडियो होगा ना 60 FPS वाला का, उसका जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, उसमें आपको मतलब फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे हाथ को ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये अगर 30 FPS है तो यहाँ पे आपको जो है थोड़े से फ्लिकरी सा मतलब थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप सा मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन 60 FPS है ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम जल्दी जल्दी कैप्चर करेगा, ठीक है। जहाँ पे वो एक बार कैप्चर कर रहा है उतने देर में वो 2 बार कैप्चर करेगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो FPS का मतलब होता है वो होता है फ्रेम पर सेकंड, यानी एक फ्रेम में मतलब जो है वो 1 सेकंड में कितने फ्रेम को वो कैमरा जो है कैप्चर कर पाता है और कितना जो है वो कैपेबल है, ठीक है। डिजिटल जूम वर्सेस ऑप्टिकल जूम में क्या अंतर है, तो उतना ही अंतर है जैसे कि टॉयलेट और टट्टी में। गलती एग्जांपल दे दिया शायद यार। तो देखो दोस्तों डिजिटल जूम में क्या होता है ना कि वो डिजिटली जूम होता है, वो सॉफ्टवेयर के मदद से जूम होता है, उसमें कोई भी लेंस का जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है जूम करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है जैसे कि कोई भी फोटो आप क्लिक करते वक्त जूम करते हुए ऐसे ऐसे, तो वो सॉफ्टवेयर के मदद से जूम हो रहा है, यानी कि वो क्या करता है वो जो फ्रेम होता है ना उसको कट करते रहता है साइड से, वो फ्रेम को क्रॉप कर देता है साइड से। जैसे कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें पड़ी हुई है मेरे पास, मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है उसका जो फ्रेम है ना साइड से वो जो है वो क्रॉप हो रहा है, और इसी के मदद से जो है वो जो भी सामान है या फिर जो भी बंदा या बंदी जो भी बैठी है वो जो है वो मतलब नज़दीक आते जा रहा है, बस उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया आते जा रही है, वो कभी ब्लर हो जा रहा है या फिर आपको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को उसमें नहीं मिलेगी जो डिजिटल जूम होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है, ना कि कोई भी यहाँ पे लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटिया आती है, जैसे कि कोई भी फ़ोटो आप क्लिक करें उसको जूम करके देखते हो तो कैसे फोन जो है वो फ़ोटो फट जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है वो डिजिटल जूम काम करता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के मदद से हमें जूम करके दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर का मदद नहीं लिया जाता, यहाँ पे रियल एक लेंस का यूज़ किया जाता है,
जिसकी मदद से हमारा जो फोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे कि मान लो कि कोई कैमरे में जितना भी मान लो उसका जो एक्स है, जैसे कि 12x जूम है या जो भी जूम है, तो उसका जब 12x तक आप लोग पहुँच जाएंगे तब भी उसकी क्वालिटी नहीं कमेंगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एक रियल लेंस देखने को मिल रहा है, ना कि वो सॉफ्टवेयर के मदद से जूम हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें जितना मर्जी जूम कर लो वहाँ पे क्वालिटी आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यानी कि बेसिकली उन दोनों में डिफरेंट ये समझ सकते हो कि यहाँ कि भाई डिजिटल जूम में क्या होता है, वो डिजिटली जूम होता है, सॉफ्टवेयर के मदद से जूम होता है, और जो है भैया ये ऑप्टिकल जूम होता है, वहाँ पे एक लेंस का मदद लिया जाता है जिससे हमारी फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। यानी कि अगर आप ऑप्टिकल जूम से चांद पर ही पहुँच जाओगे तब भी आपको फ़ोटो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पर चांद पे कैसे पहुंचेंगे यार। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, काफी ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, नीचे जाके कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अच्छी चीजें शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, वो फालतू का वाई फैला दे तो व्हाट्सएप पे, लेकिन अच्छी चीज शेयर करते नहीं हो तो कर दो मेरे भाई। और मैं जाता हूँ, अभी काम है मम्मी, कोई झाड़ू पोछा लगाना है क्या? हाँ आ रहा हूँ।